नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ श्रुति झा और देख रहे हैं विजन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची कल ही जारी की है। उम्मीदवारों में 50 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें बहुत चर्चित उन्नाव रेप कांड पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर पर 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था और दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता की मां आशा सिंह टिकट मिलने से बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी हमारी मदद कर रही हैं। उनके बीए ने हमें फोन करके पूछा कि आप चुनाव लड़ोगी, तो हमने उन्हें जवाब दे हाँ कह दिया। आज मैं वो दास्ता फिर से आपको सुनाना चाहती हूँ जो उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव शहर में 4 जून 2017 को 17 वर्षीय लड़की का कथित सामूहिक बलात्कार किया गया था। पीड़िता ने कहा था कि वह विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ नौकरी की मदद मांगने के लिए उनसे मिलने गई थी और विधायक के घर पर उसका रेप किया गया। इसके बाद 11 जून को लड़की गायब हो गई और लड़की के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद 20 जून को औरैया के एक गाँव में मिली, उसके बाद उसको उन्नाव वापस लाया गया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बयान में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लेने दिया। 3 जुलाई को पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह सेंगर का नाम FIR में शामिल किया जाए। उसके बाद कुछ महीनों बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह से लड़की के पिता की मारपीट भी हुई। पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अप्रैल को पिता की जेल में मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को CBI को सौंपने का आदेश दिया। रेप के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिम करार दिया गया, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से पूछा कि सरकार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी करेगी या नहीं। 28 जुलाई 2019 को जब पीड़िता अपने रिश्तेदारों और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, वहां कार को ट्रक ने टक्कर मारी और ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि हादसे में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई और परिवार के 2 सदस्यों की भी मौत हो गई। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया है कि विधायक के लोग उन्हें केस वापस लेने की लगातार धमकी दे रहे थे और उन्होंने मदद के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा था। 31 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश ने मामले को स्वीकार कर लिया था। अंततः 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के लिए कसूरवार ठहराया गया और 20 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये थी कहानी उस परिवार की जिसने अपनी बेटी खोई। लेकिन सवाल वही, कब तक लड़कियाँ सुरक्षित होंगी और कब तक लड़कियाँ बलि का बकरा बनती रहेंगी। नमस्कार। तो ये थी इस खबर के पीछे की पूरी जानकारी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।